हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ओलंपियाड के क्वेश्चंस पेपर विद सॉल्यूशन एंड उसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा एंड उसके मॉडल पेपर क्या रहेंगे। तो क्लास थर्ड के लिए चलिए हम देखते हैं। SOF साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से होने वाले ओलंपियाड एग्जाम के मॉडल पेपर मैं आपके साथ लेकर आई हूँ 2022-23 के लिए। इसके सैम्पल पेपर एंड सिलेबस हम यहाँ पे क्लास थर्ड के देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में 35 होते हैं एंड टाइम उन्हें एक घंटे का दिया जाता है। पैटर्न एंड मेकिंग स्कीम हो जाता है, वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, इन तीनों सेक्शन को मिलाकर 30 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स पर क्वेश्चन 1 रहते हैं। एंड सेक्शन 4 अचीवर सेक्शन रहते हैं जिससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर मार्क्स 2 रहते हैं। तो चलिए इसके आगे के सिलेबस देखते हैं। क्लास थर्ड के लिए सिलेबस हमारा सेक्शन 1 का हो जाता है, वर्ड पावर, होमोफोन्स, कलेक्शन, कैलोकेशन, स्पेलिंग, वर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स, हाउस होल्ड, बिंग्स, क्लॉथ, बेसिक इमोशंस, फूड, एनिमल्स एंड पैट्स एक्सेट्रा, साइनोमियम्स एंड एंटोनियम्स, जेंडर, नंबर, प्रोवर्ब्स, आइडोम्स, वन वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सिंपल टेंसेस, कंजक्शन एंड पंचुएशन, बेसिक क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग्स, जंबल वर्ड एसेट्रा। सेक्शन 2 में आ जाता है सर्च फॉर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट टाइप लाइक स्टोरीज, एनीकोट्स एसेट्रा, अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर, टाइम टेबल, फॉर्मेट एसेट्रा, एक्वायर बोर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टेक्स्ट लाइक मैसेज, इन्विटेशन एसेट्रा। सेक्शन 3 के अंतर्गत एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड वेरियसेस इन फंक्शन लाइक apology, greeting, introduction, request, etc. and section 4 higher order thinking questions, syllabus as per section 1-3. तो चलिए questions देखते हैं। number 1 हमारा section हो जाता है word and structure knowledge। पहला है find the odd out, French, India, German, Japanese. So correct answer is option B, India. India is the odd one out because India is the हमारा national language हो जाता है और फ्रेंच, जर्मन एंड जापानीज विदेशी लैंग्वेज हो जाती है, विदेश हो जाते हैं और इंडिया हमारा देश हो जाता है। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द ऑड पेयर, नर्स, पेशेंट, टॉयलेट, एरोप्लेन, वेटर, गेस्ट, टीचर्स, स्टूडेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑड वन आउट, पायलट एंड एयरप्लेन। नर्स पेशेंट को देखते हैं, वेटर गेस्ट को देखते हैं, टीचर्स स्टूडेंट को देखते हैं, उसको इंटरटेन करते हैं, गाइड करते हैं, जबकि पायलट एरोप्लेन को गाइड नहीं करता। ये जो है ऑप्शंस ऑड वन आउट है। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 and 4, फिल इन द ब्लैंक्स, माय मदर गेव मी यूजफुल एडवाइस, द, अ, एंड एंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ, माय मदर गेव मी अ यूजफुल एडवाइस। 4, द ट्रेन एट 6 PM डेली, arrive, arrives, arriving, arrival. Correct answer is option B, arrives. The train arrives at 6 p.m. daily. चलिए next question हम देख लेते हैं। Question number 5th and 6th. Direction question number 5 and 6. Reading the article, answer the following question. Karaoke. Karaoke was created 30 years ago in Kobe, Japan. It actually means emphatic orchestra and was popular with businessmen who wanted to relax at the end of the hard day. People could sing along confidently with the help of original tunes. Karaoke has become very popular now among all sectors of the society and even as a part of wedding celebration. Singing groups among friends with musical accompaniment creates a pleasant atmosphere and is so much fun. Number 5. Singing along with music is enjoyable because it is very and fun of the sing with music. The songs are popular. It is a part of celebration and everyone is the illiterate.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज अ वेरी इजी एंड फन टू सिंग विद द म्यूजिक. नंबर सिक्स, दिस फॉर्म ऑफ सिंगिंग रिक्वायर ट्रेडिशनल म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइव बैंड एंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैकग्राउंड म्यूजिक. दिस फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग रिक्वायर बैकग्राउंड म्यूजिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 and 8, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन. डायरेक्शन 7 and 8 क्वेश्चन, चूज वन सेंटेंस टू कंप्लीट द डायलॉग. सिचुएशन, यू एंड योर ओल्ड ग्रैंडफादर वेंट टू क्रॉस अ रोड सेफली. रिस्पॉन्स, लेट्स रन ग्रैंडपा, बी केयरफुल ग्रैंडपा, डोंट स्टॉप ग्रैंडपा, लेट्स रिटर्न ग्रैंडपा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी केयरफुल ग्रैंडपा. नंबर 8, सिचुएशन, यू हैव अ सी ऑफ अ फ्रेंड हु इज गोइंग टू अनदर कंट्री. रिस्पॉन्स, आर यू रियली गोइंग अवे? डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर, हैव अ वंडरफुल जर्नी, डोंट फॉरगेट मी. करेक्ट आंसर इज हैव अ वंडरफुल जर्नी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अचीवर सेक्शन से आ जाते हैं. तो अचीवर सेक्शन से हमारा क्वेश्चन हो जाता है. You should take your overcoat. It's that cold outside. Absolutely, completely, extremely, rarely. Correct answer is option C, extremely. You should take your overcoat. It's extremely cold outside. 10. Where do you get all these fantastic ideas from? I find them totally dash. They make no sense at all. Old Mrs. Woodhouse. Correct answer is B, stupid. Where do you get all this fantastic idea from? I find them totally stupid. They make no sense at all. Old Mrs. Woodhouse. तो आज के लिए इतना ही. I hope यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और क्लास थर्ड के लिए आपको इस तरह क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया है और सिलेबस ऑलमोस्ट जो क्लास थर्ड के ग्रामर क्वेश्चन के रहते हैं वही है. तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. थैंक यू.